हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे पबजी लाइट की ऑल बेसिक सेटिंग्स के बारे में। यहां पर हमारी पहली बेसिक सेटिंग है एम असिस्ट। अगर हम एम असिस्ट को हैवी पर रखते हैं तो हमारा एम ऑटोमेटिकली एनिमी पर ट्रांसफर हो जाता है। हियर इज अ एग्जांपल ऑफ एम असिस्ट। एज यू कैन सी, अगर हम एम असिस्ट को क्लोज कर देते हैं तो हमारा एम उधर ही जाता है जहां हम चाहते हैं। नेक्स्ट सेटिंग इज ब्लॉक्ड साइट वार्निंग। अगर हम इसे एनेबल करते हैं तो हमें अपने क्रॉसर की जगह पर एक वार्निंग साइन देखने को मिलता है जो कि आप देख पा रहे होंगे, और अगर हम इसे क्लोज कर दे तो हमें यहाँ पर कोई भी वार्निंग साइन देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट सेटिंग इज बोल्ट राइफल फायरिंग मोड। अगर हम इसे टैप पर सेलेक्ट करते हैं तो जैसे हम अपने फायर बटन पर टैप करते हैं तो गन चलेगी, और हम इसे रिलीज पर सेलेक्ट करते हैं तो जैसे हम फायर बटन को प्रेस करके रखेंगे तो पहले स्कोप ओपन होगा, और उसके बाद जैसे हम उसे रिलीज कर देते हैं तो उसके बाद गन चलेगी। नेक्स्ट सेटिंग इज शॉटगन फायरिंग मोड। अगर हम इसे टैप पर सेलेक्ट करते हैं तो जैसे हम अपने फायर बटन पर टैप करते हैं तो गन चलेगी, और हम इसे रिलीज पर सेलेक्ट करते हैं तो जैसे हम फायर बटन को प्रेस करके रखेंगे तो गन नहीं चलेगी, लेकिन जैसे ही रिलीज कर देंगे तो गन चल जाएगी। नेक्स्ट सेटिंग इज पीक एंड फायर। अगर हम इसे एनेबल करते हैं तो हमारे पीक एंड फायर के बटन शो होंगे, और हम इसे डिसेबल करते हैं तो हमारे पीक एंड फायर के बटन शो नहीं होंगे। नेक्स्ट सेटिंग इज पीक एंड ओपन स्कोप। अगर हम इसे एनेबल करते हैं तो हमारे पीक करने के साथ स्कोप भी ओपन होगा, और हम इसे डिसेबल करते हैं तो हमारे पीक के साथ स्कोप ओपन नहीं होगा। नेक्स्ट सेटिंग इज पीक ऑप्शंस। अगर हम इसे टैप पर करते हैं तो हम जैसे ही पीक बटन पर टैप करते हैं तो हमारा कैरेक्टर पीक करेगा, और हम इसे होल्ड पर करते हैं तो हमें पीक लेने के लिए पीक बटन को होल्ड करके रखना पड़ेगा। नेक्स्ट सेटिंग इज स्कोप मोड। अगर हम इसे टैप पर करते हैं तो हम जैसे ही स्कोप बटन पर टैप करते हैं तो हमारा कैरेक्टर स्कोप ओपन करेगा, और हम इसे होल्ड पर करते हैं तो हमें स्कोप ओपन करने के लिए स्कोप बटन को होल्ड करके रखना पड़ेगा, और अगर हम इसे मिक्स्ड पर कर देते हैं तो जैसे हम स्कोप पर टैप करेंगे तो भी स्कोप ओपन होगा, और होल्ड करते हैं तो भी स्कोप ओपन होगा। नेक्स्ट सेटिंग इज डिस्प्ले लेफ्ट साइड फायर बटन। अगर हम इसे ऑलवेज ऑन पर करते हैं तो ये हमें दिखाई देता रहेगा, और अगर हम इसे स्कोप ऑन पर करते हैं तो ये हमें ओनली स्कोप ओपन करने पर ही दिखाई देगा, और अगर हम इसे क्लोज पर कर देते हैं तो ये हमें दिखाई देना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट सेटिंग इज जायरोस्कोप ऑप्शन। अगर हम इसे ऑलवेज ऑन पर करते हैं तो जैसे हम अपनी स्क्रीन को शेक करते हैं तो वैसे ही हमारा एम भी शेक होगा, और हम इसे स्कोप ऑन पर करते हैं तो हमारी स्क्रीन तभी शेक होती है जब हम स्कोप ऑन रखते हैं, और अगर हम इसे क्लोज पर करते हैं तो हमारी स्क्रीन जब तक शेक नहीं होगी जब तक हम इसे दोबारा ऑन नहीं कर देते। इसके बाद हमें नेक्स्ट सेटिंग देखने को मिलती है ऑटो ओपन डोर। अगर हम इसे एनेबल करते हैं हमारे दरवाजे एक रहस्यमय तरीके से यानी ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं, और अगर आपके अंदर का भावबली जाग रहा है तो आप इसे डिसेबल भी कर सकते हो, लेकिन आप अपने अंदर के भावबली से कहे कि ये मैं कर लेता हूँ, आप ड्रीम 11 पे टीम बना लो। इसके बाद हमें नेक्स्ट सेटिंग देखने को मिलती है हीलिंग प्रमोट। अगर हम इसे एनेबल करते हैं तो हमारी हेल्थ के हिसाब से ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करता है, और आपकी हेल्थ 60% से कम है तो बैंडेज की जगह पर ऑटोमेटिकली फर्स्ट एड आ जाएगी, और आपकी हेल्थ 30% से कम है तो वहाँ पर मेडिकेट आ जाएगी। इसके बाद हमें नेक्स्ट सेटिंग देखने को मिलती है स्लाइड। अगर हम इसे एनेबल करते हैं तो जैसे हम सिटिंग बटन पर टैप करते हैं तो हमारा कैरेक्टर स्लाइड करेगा, और हम इसे डिसेबल कर देते हैं तो सिटिंग बटन पर टैप करने के बाद भी हमारा कैरेक्टर स्लाइड नहीं करेगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट सेटिंग देखने को मिलती है क्विक सेकेंडरी वेपन। अगर हम इसे एनेबल करते हैं तो जैसे ही हमारी डिफॉल्ट गन खाली होगी और हमारे पास पिस्टल होगी तो ये उसे ऑटोमेटिकली चूज कर लेगा। इसके बाद बारी आती है नेक्स्ट सेटिंग की जो कि है यूनिवर्सल मार्कर। अगर हम इसे एनेबल करते हैं तो जैसे ही हम किसी भी चीज पर मार्क कर सकते हैं, और हम इसे डिसेबल कर देते हैं तो यह गायब हो जाता है और आपको देखने को नहीं मिलता।
इसके बाद बारी आती है नेक्स्ट सेटिंग की, जो कि है अलाउ अदर्स टू सी योर रिजल्ट्स। अगर हम इसे एनेबल करते हैं तो लोग आपका कैरियर रिजल्ट देख सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि कोई आपकी हरकतें देखे तो आप इसे डिसेबल भी कर सकते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट सेटिंग देखने को मिलती है विनर पास एंड शो एयरप्लेन फिनिश बाय WP रैंक। अगर हम विनर पास इन्फॉर्मेशन को डिसेबल कर देते हैं तो किसी को भी ये पता नहीं लगेगा कि हमने विनर पास लिया है या नहीं। और अब हम बात करते हैं शो एयरप्लेन फिनिश बाय WP रैंकिंग। अगर हम इसे अनेबल करते हैं तो एयरप्लेन पर हमारा नाम आएगा, और अगर हम इसे डिसेबल कर देते हैं तो एयरप्लेन पर हमारा नाम नहीं आएगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट सेटिंग देखने को मिलती है हिट मार्कर। अगर हम इसे अनेबल करते हैं तो जैसे ही हम किसी भी एनिमी को मारते हैं तो एक मार्क शो होता है, वो एक एनिमी का साउंड भी सुनने को मिलता है। और अगर हम इसे डिसेबल कर देते हैं तो ना ही हमें हिट मार्कर देखने को मिलता है और ना ही एनिमी का साउंड। इसके बाद हमें नेक्स्ट सेटिंग देखने को मिलती है क्विक आइटम्स। अगर हम इसे सरल भाषा में समझे तो थ्रो एबल्स जैसे कि ग्रेनेड स्मोक्स एंड स्टन ग्रेनेड, अगर हम क्विक आइटम्स को अनेबल करते हैं तो हम इन्हें फायर बटन की वजह से फेंक सकते हैं। और अगर हम इसे डिसेबल कर देते हैं तो हमें ग्रेनेड को होल्ड करके फेंकना पड़ता है, जिससे हमारी एक्यूरेसी घट जाती। तो आप इसे अनेबल ही रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।